वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज़ ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम असेंबली कोड को किस तरह से हम हेक्स कोड या फिर हम उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जब हम लास्ट टाइम वीडियोज़ करते होते थे और जब मैं अपना माई एस एम फोल्डर आपको दिखाता होता था और मैं यहाँ पे अपना मैं कोड एडिट करता होता था, आपको याद होगा मैं यहाँ पे अपना कोड लिख देता होता था, इसको मैं यहाँ से सेव करता था और सेव करने के बाद मैं माई एस एम में जाके अपनी पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको रन कर देता था। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो सीरीज़ देख रहे हो तो मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ, एक हेक्स फाइल भी हमारे पास होती थी और हेक्स फाइल जब मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास एक कोड जनरेट होता था हेक्स फाइल के अंदर, यानी कि ये मेरे पास मशीन लैंग्वेज होती थी। जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है कोड, ये स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है। ये प्रोसेसर अपने लिए डिफ़ाइन करता है कि क्या उसने एंडिंग ली और क्या उसने स्टार्टिंग ली, लेकिन जो उसका मशीन कोड है वो यहाँ से वो इसको तैयार करता है असेंबली लैंग्वेज को। यानी इस पूरे कोड को अगर आप समझ सकें तो अगर कोई आपको ये कोड बताता है तो कंप्यूटर उसको ये कोड्स में कन्वर्ट करता है और फिर समझता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कोड है ये वाला, तो ये कोड किस तरह से हमारे पास इस कोड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से अपने AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जाएंगे। जो सारे एटमल के AVR माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनके लिए एक AVR इंस्ट्रक्शन सेट मैनुअल जो है वो एटमल ने हमें दिया हुआ है। आप गूगल पे सर्च करें AVR इंस्ट्रक्शन सेट मैनुअल तो आपके पास पहले लिंक में ही ये चीज़ खुल आएगी। अच्छा, तो अभी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ से मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्वर्जन्स वगैरह करूँगा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये चीज़ें हम देखेंगे। वैसे इसका हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्जन कैलकुलेटर खोल लूँगा ताकि आपके लिए टाइम की बचत हो सके। अच्छा, तो यहाँ से हमारी सबसे पहली कमांड जो है वो है ऐड की। ठीक है, तो मैं इस ऐड की कमांड को जो है वो मैं देखता हूँ कि इसका मशीन कोड क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट में जाऊँगा और मैं यहाँ से ऐड का देखूँगा कि ऑप कोड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से वो ऐड की कमांड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से मैं आ गया AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। अगर मैं यहाँ से सर्च कर लूँ ऐड को, तो मैं यहाँ से ऐड को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे ऐड ढूंढना पड़ेगा, मुझे वैसे पहले ढूंढ लेना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ से ऐड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट, ऐड पीछे होगा, ये ब्रांचेस हैं सारी और यहाँ पे मुझे ऐड, हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ऐड विदाउट कैरी। ठीक है, तो इसका मेरे पास ये कोड आ गया है। ठीक है, तो ये 16-bit ऑप कोड है, यानी कि ये मेरे पास इसका कोड बन गया। ये आप बेशक देख लें। ठीक है, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ। अभी यहाँ पे हम जाते हैं अपने इसमें और यहाँ से मैंने इस फाइल को मैंने कॉपी किया, Ctrl+C मैंने किया। चलें, इसको मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि इसका कोड मेरे पास था, अगर आपको याद हो तो वो ऑप कोड 16-bit का। एक मिनट दोबारा दिखा देता हूँ, सॉरी, ये मेरे पास आया। देखें ऑपरेशन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन है ऐड टू रजिस्टर्स विदाउट द कैरी फ्लैग एंड प्लेसेस द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर RD। यानी जो मैं लिखता हूँ, जो पहले रजिस्टर आता है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है और जो सेकेंड नंबर पर आता है सोर्स रजिस्टर है। यानी इन दोनों रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो इस पहले वाले डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से भी चीज़ पता चल रही है। और जो मेरा सोर्स और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हैं वो अपने अंदर जो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ R16 R17 जो हम यूज़ कर सकते हैं वो R16 से R31 तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हम अपने पहले कोड्स के अंदर बातें कर चुके हैं कि हमारी 23, 24, 25 जो है वो सेफ़ लिमिट है, तो हम R16 से लेकर 25 R25 तक इजीली खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं 16 बिट का ऑप कोड देख लेता हूँ और ये यहाँ से आप देख लें, ये आप याद रखें। एक मिनट मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ है, ऐड R16 और R17। ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास कमांड है ऐड R16 और R17। ठीक है, मेरे पास ये कमांड है। चले मैं यहाँ ना ही लिखूँ तो बेहतर है, मैं इसको यहाँ से रेज़ कर लेता हूँ। मैं एक नोट पैड खोलता हूँ, उसमें आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से मैंने नोट पैड खोल लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी ऐड R16 और R17। ठीक है, अब ये कोड को सिर्फ मैं इसका मशीन कोड में लिखने लगा हूँ। तो इसका मशीन कोड कैसे लिखेंगे ये आपको ज़रा समझना होगा। ये मेरे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है, यानी डेस्टिनेशन रजिस्टर, और ये मेरे पास सोर्स रजिस्टर है। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है R16, तो यहाँ पे मैंने 16 की सबसे पहले निकालनी है बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ से मैं 16 की बाइनरी निकालता हूँ। तो 16 की बाइनरी होती है हमारे पास 8 बिट्स के अंदर। अगर हमने, क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है मेरे पास, तो मैं इसको लूँगा, वैसे होता है 1 0 0 0 और 0। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। ठीक है, मैंने पीछे 3 0 खुद से लगा दी और ये वैल्यू मेरे पास बन गई R16 की। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास ये है R17। अब मैं R17 की भी बाइनरी में देख लेता हूँ कि R17 की मेरे पास बाइनरी क्या होती है। ये थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है कि मैंने कभी इस तरह ट्राई किया नहीं है, तो मैं आपके लिए वैसे लिख रहा हूँ, तो ये मुश्किल हो जाता है इनिशियली ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। एक मिनट, अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट उठा लूँ, हाँ ये ओके, ये ज़बरदस्त काम है। हाँ जी, तो R17 की बाइनरी होती है मेरे पास, अगर मैं इनिशियली 3 0 ख़ुद से लगा लूँ, सॉरी इनिशियली 3 से 0 खुद से लगा दूँ, और अब बाइनरी में लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मेरे पास बाइनरी आ गई। ये क्या बड़ा नहीं हो सकता? एक मिनट, नहीं ये इतना ही रहेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट का साइज़ नहीं, टेक्स्ट का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा, ये इतना ही है। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। 000 मैंने खुद से ऐड किया जिस तरह यहाँ पे किया था, और 17 की बाइनरी होती है 1 000 0 1। लाजमी सी बात है 1 टेट्रा 0 है तो 1 000 0 1 ऐड ही होगा ना मेरे पास। अब मैं 16 बिट ऑप कोड, जब मैंने जहाँ पे इसका निकाला था, एक मिनट, तो 16 बिट ऑप कोड मेरे पास जो आया था वो अगर आपको मैं यहाँ से दिखा सकूँ, हाँ जी, तो वो ये चीज़ थी 4011 R D, 4 बिट डेस्टिनेशन की और 4 बिट सोर्स रजिस्टर की। ठीक है, R का मतलब सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन का मतलब D का मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर। यहाँ पे सोर्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और यहाँ पे डेस्टिनेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 1 1 वैसे ही, और ये 4 0 वैसे ही। ठीक है, तो ये अब आप अपने जहन में रख लें। तो चले मैं वैसे अब जब लिख ही रहा हूँ तो मैं आपके लिए लिख ही दूँगा, तो इसमें कौन सा मसला है। तो यहाँ पे मैं ज़रा एक अपना ये है क्या चीज़, नंबरिंग, हाँ जी ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ऑप कोड लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए अलग-अलग बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना इश्यूज़ ना हो। तो यहाँ 4 ज़ीरोज़ आते थे, फिर 1 1 आता था, RD आता था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता था D D D D, ठीक है। और ये वैसे मैं आपके लिए सिर्फ कर रहा हूँ DDR और RR, सॉरी सॉरी, यहाँ से मुझे इसको रेज करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे RRR, ये कोई इशू कर रहा है RR पे ना, ये मैं इसको देख लेता हूँ कि क्यों इशू कर रहा है, ये क्यों इशू कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ R, अच्छा R जो है ना, इसकी कोई शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। तो ये इस वजह से ना R, ठीक है, ये 4 R है मेरे पास। मैं इसको यहाँ पे ना हाथ से लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, R R R और R, ठीक है। वो असल में कोई इसकी R जो है वो शॉर्टकट की कुछ हुई हुई है, तो इस वजह से ये कोई इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लिख ही दूँ आपके लिए तो बनता है 0 0 0 0, उसके बाद 1 1 R D, और उसके बाद बनता है 1 2 3 4 D, और उसके बाद R R R R, ठीक है। देखें, वो मैं जब R क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है। तो ये आपको कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। R16 और 17 की मैं बाइनरी लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने उड़ा दिया और ये यहाँ से मैंने ये भी उड़ा दिया। अब देखें इस केस में क्या होगा हमारे पास के यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ गए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अब मैं लिखूँगा इसको, अब देखें, अब मैं इसका लिख रहा हूँ, अब मैं इसका 16-बिट ऑप कोड लिखने लगा हूँ, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से मैं गया, मैं 4 1 2 3 4 0 आए, उसके बाद ये 1 1 वैसे आया, उसके बाद ये R आया, ठीक है, R आया। तो R कौन सा था मेरे पास, मेरी कमांड थी ऐड R16 और R17। आपको अगर नहीं याद तो मैं फिर आपके लिए लिख देता हूँ। वैसे आपको मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको याद ही नहीं है, मैं समझ सक रहा हूँ कि आपको याद नहीं है। तो ये मेरे पास R है, यानी सोर्स रजिस्टर, और ये मेरे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब ये R है, तो अब मैं इस R के अंदर जो मेरे पास R17 है वो ये है, और अगर आप गौर से देखें तो मैं ये वाली वैल्यू लूँगा 1, तो मैं ये वैल्यू लूँगा 1 वाली, क्योंकि 1 1 2 3 4 5, इसकी साइंस इसके पीछे ये है कि मैं इसकी राइट साइड से 5th बिट ले रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि हम जो रजिस्टर्स हैं यहाँ पे R16 से हम लोग R31 तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो जो हमारे पास R31 तक मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 बिट्स के अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारी इनके अलावा अगर मैं इसको सर्कल कर दूं, R16 से R31 तक इन 5 बिट्स के अलावा यूज़ ही नहीं होंगी, तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हर केस में यही वाली बनेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अब R वाली, R क्या था यहाँ पे R17, तो R17 का मैंने ये वाली 1 वाली बिट ले ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। अब R16 के केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ये है, ये 1 है, ये 1 आ गया। अब डेस्टिनेशन की मैंने लेनी है अपनी बिट्स, तो डेस्टिनेशन की मेरी क्या बिट्स बन रही हैं, आखिरी 4, ये वाली R17 की आखिरी 4 ट्रिपल, नहीं, जो मेरी डेस्टिनेशन की बन रही हैं वो कौन सी बन रही हैं, डेस्टिनेशन कौन सा था मेरा, मैं खुद भूल गया हूँ, R16। तो R16 है मेरे पास 4 ज़ीरो, तो मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4। अब सोर्स आ गया, अब सोर्स मेरे पास कौन सा है, R17, तो R17 की आखिरी है टेट्रा 01, तो मैंने ट्रिपल 0 और मैंने 1 लिख दिया। यहाँ तक आपको चीज़ होगी क्लियर। अगर आपको एक और बात याद हो तो 4 बिट्स का जो बाइनरी होता है उसको हम कंबाइंड देखें तो वो हेक्साडेसिमल बन जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, इन 4 बिट्स को अगर आप कंबाइंड पढ़ें तो ये हेक्साडेसिमल बनता है। तो अब मैं इसको ट्रीट करता हूँ। आप ऐसे नेट पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो आपके लिए इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, बहुत आसान है, हलवा काम है। तो आपने यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये हेक्सा में हमारे पास ज़ीरो बनता है, हेक्सा में ज़ीरो, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। और ये हेक्सा में एफ बनता है, ये हेक्सा में ज़ीरो बनता है, और ये मेरे पास वन बनता है। आपको समझ आ गई, कोई टेक्निकल काम ही नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। तो यहाँ से मैं गया और यहाँ से नोटपैड में आया। यहाँ तक तो आपको सारी स्कीम समझ आ गई होगी, कोई टेक्निकल काम ही नहीं है कि मैंने ज़ीरो एफ ज़ीरो वन मैंने निकाल लिया, ठीक है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, हलवा काम है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या है आपके पास, तो ये कोड आपके पास क्या बना, यानी इस लाइन का आपके पास मशीन कोड क्या बना, हाँ जी बिल्कुल आप ठीक पहुँचे, इसका कोड आपके पास बना ज़ीरो एफ़ ज़ीरो और वन, ज़ीरो एफ़ ज़ीरो वन। इसी तरह अब मैं सब्ट्रैक्शन की कमांड जाऊंगा, AVR में AVR मैनुअल खोलूंगा, उसमें मैं यहाँ से जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन सर्च करूंगा और मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो कोई इतना टेंशन वाली चीज़ ही नहीं है, आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। या मैं सब्ट्रैक्शन वाली आपको नहीं कराऊँगा, अब इतना भी मजाक अच्छा नहीं होता कि देखें, ऐड वाली मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई है। अगर आपको ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए पूरी वीडियो दोबारा बना दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया, एक मिनट, सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, एक मिनट, सब मैंने लिखा है ना, सब्ट्रैक्ट लिखूँगा मैं, ऐड है तो मेरे पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ, मल्टीप्लाई प्लाई गुजर गया, और यहाँ से थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ रहा है, LSR राइट शिफ्टिंग आ रही है, सब्ट्रैक्शन किधर है, किधर गई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भाई सब्ट्रैक्शन आ जाओ। ये सारी कमांड्स मेरे पास पड़ी हैं, एक मिनट मैं इसको उड़ा के ना, मैं ज़रा यहाँ से शुरू में जाता हूँ, सब्ट्रैक्शन कहाँ पड़ा है मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ कि इतना मुझे लंबा काम ना करना पड़े। एक मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ, अब मैं यहाँ ज़रा सर्च करूँ ना SUB, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है सब्ट्रैक्ट, ये आपके पास आ रहा है सब्ट्रैक्ट विद कैरी, तो ये कहाँ पड़ा है, हाँ जी ये आ गया इसका आपके पास। तो सब्ट्रैक्शन का कोड आ गया आपके पास 16 बिट ऑप कोड 4010 RD, 4 डेस्टिनेशन के और 11, ठीक है, इंतहाई आसान कोड है। अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली लिख के बता दूं या मैं बताए बगैर आपको जल्दी लिख रहा हूं, देखें ये 40 आपके वैसे ही आ गए, ये आपके पास 1 आया, ये 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास इस आर में आपके सोर्स रजिस्टर की 5वीं बिट आ जाएगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ 5वीं क्यों ली है 8वीं क्यों नहीं ली। तो 5वीं बिट आपके पास यहाँ पर 1 आएगी, आपके पास डेस्टिनेशन की 5वीं बिट भी 1 आएगी, डेस्टिनेशन की 4 आपके पास आएंगी, यहाँ पे ये बनेगी 0010, और उसके बाद आपके पास सोर्स की बिट आएंगी आखिरी 4, तो वो आएगी 0101, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में 0 होता है और हेक्सा में 1011 होता है, बी होता है 11, और क्योंकि ये 11 बनता है 1011, आप बेशक कन्वर्ट करके देख लें, आप कैलकुलेटर खोल लें आपको समझ आ जाएगी। हेक्सा टू बाइनरी का, सॉरी बाइनरी टू हेक्सा का कैलकुलेटर खोलें, बाइनरी 1011 डालें, आपको हेक्सा B देगा। 0010 ये आपके पास 2 होता है और 0101 आपके पास 5 होता है, तो आपके पास 0B25 का कोड बन गया। सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, आप जब मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास कोड बनता होता था 0F01, तो इसको हम लोग लिखते किस तरह हैं, हम लोग जब हम इसको मैं रेज़ कर देता हूं और अब आपको समझ आएगी। हाँ जी, जब यहाँ पे एक मिनट, जब आपके पास ये चीज़ आई है तो इसका जब आपने मशीन कोड लिखा है ना, आपके पास आया था 0F01, लेकिन आपने इसको लिखना कुछ इस तरीके से है, आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसको लिखना इस तरीके से है 0F01। आपने सीधा नहीं लिखना यूँ करके ज़ीरो एफ और ज़ीरो और वन, यूँ नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये मुझे भी याद आ गई, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड वाली आपके पास आई यानी ये वाली, इसका आपने यहाँ पे लिखना है, ये आपके पास बनेगा 251B, सही है, यानी कि 1B और यहाँ पे आएगा 2 और 5, ठीक है। अब जो नो ऑपरेशन है, नो ऑपरेशन इंतहाई आसान है। ये भी आपके पास सिंपली 4 ज़ीरोज़ बनते हैं, ये भी 4 ज़ीरोज़ बनेंगे, ये भी 4 ज़ीरोज़ बनेंगे और इसका भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये सारी AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल आसान चीज़ है। ये आपके पास 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 और 4 ज़ीरोज़ आएंगे नो ऑपरेशन की जगह। यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 आ जाएंगे ऑपरेशन। जब आप इस मल्टीप्लाई वाले का ऑप कोड निकालेंगे तो वो आपके पास बनेगा, इसी तरह आपके पास आएगा 9F6A, ठीक है। तो उसको आपने यूँ लिखना है 9F6 और A, आपने इस तरह लिखना है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ आएगी वो यूँ आएगी 9F6 और A, लेकिन आपने लिखना 9F को यहाँ लिखना, ये F है, ठीक है, ये चीज़ F है। तो ये मैं यहाँ से भी इसको मैं रेज़ कर देता हूँ, हाँ जी, ये भी मैंने रेज़ कर दिया और यहाँ से भी मैंने रेज़ कर दिया। तो ये अब आप मैं इसके सारे मैंने कोड्स मैंने लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा कोड नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ। तो इसका कोड बना 0 1 0 और F, ठीक है। इसका कोड मेरे पास बना 2 5 1 B, इसका कोड बना 0 0 0 और 0, इसका कोड बना 0 0 0 और 0, इसका कोड बना 0 0 0 और 0 और इसका कोड मेरे पास बना था, मैं भूल गया हूँ, हाँ, 6A और 9F, 6A 9 और F, ठीक है। अब मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 लाइंस के मेरे पास कोड्स मैंने 6 जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं मैंने, उसके पास मेरे पास ये मशीन कोड सेपरेटली आ गया। अच्छा, अब ये है कि मैंने इस सेपरेट को मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कितनी है, यानी कि मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं इसको लिखूँ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कितनी है 6, आप इनको काउंट कर लें, ये 6 हैं, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 2 के साथ, तो ये आपके पास बनेगा 12, ठीक है। तो आप इस 12 को कन्वर्ट करें हेक्स में, जो 12 हेक्स में होता है उसको हम लिखते हैं 0 और C, ठीक है। ये आपके पास हेक्स होता है, बेस इसकी होती है 16, ठीक है। ये आपके पास 0C बन गया। अब आप इसका एक देख लें कि इसका एक पैटर्न क्या होता है। आपने एक हेक्स फाइल का जो मशीन कोड है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल भी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इस चीज़ को पूरा, अच्छा ये आपको मैं बताता हूँ कि 0C आपने कहाँ फिट करना है, ठीक है। आप इसको ये यहाँ से यहाँ से आप इसको पकड़ें और रेज़ कर दें, ठीक है। रेज़ क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा स्क्रीन ना वाजे नज़र आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये टेक्स्ट पे आ गए, टेक्स्ट पे आप आके अब आपने देखा ये आपके पास 6 था, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 का हेक्सा होता है 0C, तो आपने लिखा कॉलन 0C। उसके बाद आप एक पैटर्न नोट कर लें, वो है 0 0 और 0, ठीक है। उसके बाद हैं 3 0 0 0 और 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक कोड आपके पास आएगा, ये वाला कोड, ये आपके पास कोड है 0 1 0 F, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोड है 2 5 1 B, ठीक है, 2 5 1 B। उसके बाद आपके पास कोड है 0 0 0 और 0, ठीक है। उसके बाद आपके पास दोबारा कोड है 0 0 0 0, ये थोड़ा शॉर्ट मैं मजबूरन कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन अब है ही इतनी सी, क्या कर सकते हैं। ज़ीरो 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 ज़ीरो, उसके बाद दो ज़ीरो आ गए, उसके बाद एक और ज़ीरो आ गया, ज़ीरो 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 और ज़ीरो, ये चार ज़ीरो आ गए, ये ज़ीरो लगा दिया। और उसके बाद अगला है 6 A 9 और F। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आप दो दो के पेयर्स बना लें। ठीक है, ये यहाँ से यानी कि ये एक पेयर बन गया, ये दो ज़ीरो के बन गए, ये दो ज़ीरो के बन गए, ये दो ज़ीरो के बन गए, 01 बना, ये 0F बना, ये 25 बना, ये 1B बना, ये 00 बना, ये 00 बना, 00 बना, 00 बना, ये 00 बना, सॉरी 6A, हाँ सही है, ये 00 बना, ये 6A बना और ये 9F बना। और इस 6A 9F के बाद एक और चीज़ आपने, जब 6A 9F लिखा था ना, तो उसके बाद आपने एक और चीज़ लिखनी होती है, उसको हम बोलते हैं चेक सम। ठीक है, आपने उसके बाद चेक सम ऐड करना होता है। अब मैंने दो दो के पेयर बना लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर ये कोड आपके पास 8 लाइन से ज़्यादा का आता है, अगर 8 लाइन से ज़्यादा का आता है तो सारे प्रोसेस सेम टू सेम होंगे। सिर्फ क्या होगा, ये जो आपका ये वाले दो ज़ीरो है ना, ये वाले दो ज़ीरो, ये दो ज़ीरो, ये दो ज़ीरो ज़ीरो से 01 हो जाएगा, बाकी ऑल टू ऑल बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, 01 हो जाएगा। इसी तरह 8 के बाद अगर 8 से 16 तक रहती हैं लाइनें तो ये 01 तक चलेगा। अब 16 से लेकर बढ़ती हैं 24 तक होती हैं तो 02 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह 1 1 का इंक्रीमेंट होकर चलता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल आसान चीज़ है, आप खाली आसान का समझें कि कैसे होता है। अब यहाँ से अब हमने ये सारा कुछ तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है चेक सम को, कि चेक सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चेक सम कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने पेयर बनाए हैं, तो कैसे होगा ये अब आप याद रखेंगे, ये कैसे हुआ था। तो ये थोड़ी, अच्छा ये तो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है। तो अब हमने क्या करना है, इस 0C को, 00 को, इस 00 को, इस 00 को, इन पेयर्स की फॉर्म में इन सब को आपने क्या करना है, आसानी के लिए आप 0C को, मैं अब करता हूँ, मुझे पता है कि 0C क्या होता है, डेसिमल में 12 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, 01 क्या होता है, 1 होता है, 0F क्या होता है, 15 होता है, 25 क्या होता है, 37। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। 1B आपके पास क्या होता है, 27, फिर 000 होता है, 000 होता है, डेसिमल में लिख रहा हूँ, 000, 0, 0, उसके बाद फिर 0। ठीक है, ये भी 0 है। 6A जो होता है आपके पास 106 होता है, और 9F जो होता है वो आपके पास 15 और 9 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, आपने इन सब को अब चुप करके क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब इन सब को मैंने करना है ऐड। अब इन सब को, जब मैं इन सब को मैं ऐड करूँगा, याद रखें मैंने हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब इस डेसिमल को जब मैंने ऐड किया तो ये बना 357 आ गया। इस 357 को मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। इसकी बाइनरी क्या बनी, 1011 00 10 और 1। तो मैंने इसको मैंने दोबारा हेक्स में कन्वर्ट किया। तो अब टोटल 8 बिट्स हैं ना, तो आप इस वाली जो 1 है, 8 के अलावा जितनी भी बिट्स हैं आप उनको बेशक इग्नोर कर दें। तो ये क्या चीज़ बनी है आपके पास, 1011, बिल्कुल सही, ये होता है B। ठीक है, हेक्सा में होता है B, और 1001 क्या होता है हेक्सा में, 9, तो आपके पास बना 9B। तो आपके पास फाइनल कोड क्या आया, अब मैं आपको फाइनल कोड लिख के दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैं यहीं से लिखूँगा, इसी को फॉलो करूँगा। ठीक है, आपके पास फाइनल कोड आया, सबसे पहले आपके पास आया कॉलन और आया 0C। ठीक है, 0C, उसके बाद आया आपके पास 00। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिर आया 00, आपके पास फिर आया 00, फिर आपके पास आया 01, उसके बाद आपके पास आया 0F, उसके बाद आपके पास आया 25, 25 आया, उसके बाद आपके पास 1B आया, उसके बाद फिर आपके पास 00 आया, ये 1B है, ठीक है, 00 आया, फिर 00 आया, फिर 00 आया, फिर 00, कितने 00 हैं भूल गया हूँ मैं, 1B के बाद 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पेयर्स आ गए। और उसके बाद आपके पास 6A आया, ठीक है, और फिर आया आपके पास 9F, 6A आया, 9F आया, और उसके बाद आपके पास क्या आया, चेकसम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इधर क्या आएगा, चेकसम। और अब हमने चेकसम क्या कैलकुलेट किया है, 9B, तो यहाँ पे मैंने लिखा 9 और B। तो अब मैं इस कोड को ज़रा देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास उस कोड से मैच हुआ है, तो ज़रा मैं आपको कैलकुलेट करा के देता हूँ। ये हम थोड़ा बैक जाते हैं और यहाँ से हैक्स फाइल जो थी, एक मिनट तो रेज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। हाँ जी, एक मिनट, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपके सामने सब कुछ निकाला है, कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखें आपके पास आया 0C, फिर 00, फिर आपके पास 50 आ गए। देखें मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूँ, कोई ऐसी 0C के बाद 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं, 0C के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आए हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास 10F आया, 10F आया, 251B आया, 251B आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आपके पास 9A आया, 6A आया, 9F आया, और ये 9B। अब आप नोट कर रहे हैं ये 9B का कलर भी चेंज है क्योंकि ये है आपके पास चेक और सम। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ सिर्फ बताई थी, 0C के बाद, एक मिनट आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अब मैं इसको उड़ा देता हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें जो 0 के बाद जो अगले 0 हैं, ये वाले 2 0, ये जब आपके पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन 8 से ज़्यादा होंगी तो ये न्यू लाइन में जाएगा, और न्यू लाइन के बाद अब अगली अगर 2 लाइनें हैं तो ये 01 हो जाएगा और बाकी सेम कोड वैसे लिखा जाएगा। कोई इतना टेक्निकल काम ही नहीं है, कोई टेक्निक है ही नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर आप कहते हैं, मैं आपको वैसे इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ, मैं अभी इसका कोई आपको कराने नहीं लगा, लेकिन मैं आपको वैसे ऐड करके ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ आसान मैं नो ऑपरेशन ही ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये ना हो कि आप बोलेंगे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं R19 को और R20 को, ठीक है। और लाइनें कितनी होगी, 8 हो गई। और यहाँ पे मैं एक नो ऑप कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं नो ऑप कर देता हूँ। देखें अब लाइनें आपके पास 10 होगी। यहाँ तक तो आपके पास सारा कोड सेम टू सेम रहना था, अब 2 लाइनें और फालतू आ गई हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्यों भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम उसी को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। तो MyASM पे गए, program.exe को मैंने रन किया और ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म से 0 एरर के साथ रन हुआ। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, आपने मुझे भी भुला दिया। हाँ जी, Notepad++ पे main.hex, क्योंकि ये अब मॉडिफाई हो गई है। अब देखें अब यहाँ पे 04 के बाद ये 01 आ गया, और उन 2 ऑपरेशंस जो 2 9वीं और 10वीं और किधर गया, हाँ जी, जो 9 और 10 लाइंस के लिए आपके पास ये कोड आपके पास दोबारा बन गया। मज़ीद आपके पास सेकंड लाइन आई है, जो ये आपकी आगे आई है, और ये आपका चेकसम कैलकुलेट हुआ है। देखें सारे ज़ीरोज़ हैं क्योंकि नो ऑपरेशन है ना, नो ऑपरेशन के तो 00 ही आने हैं। और यहाँ पे 01 आ गया कि आप अगली लाइन में चले गए। और ये वाला 04 देखें, क्योंकि 8 के बाद कितनी लाइनें आई हैं आपके पास, 8 के बाद कितनी आई है लाइन सॉरी किधर गया यार, यहाँ पे 8 के बाद कितनी आई हैं, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस 2, तो 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। ये वाला 0 बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये वाला 00 जब 8 या 8 से कम हो तो 00, और उसके बाद 01 होता है। ये वाला 000 बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये वाला 00 00, और ये वाला 00 किस तरह है, ये मैं आपको सारी तफसील जो है मैं बता चुका हूँ। आप वीडियो बिल्कुल शुरू से देखें, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये कंप्लीट बना के दी है वीडियो, ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए कि हेक्स फाइल कैसे बनती है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड कैसे बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ें। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी चलें, मैं अभी देखता हूँ इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम ना इनपुट भी देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा ना, LEDs को हमने ऑन शॉन करा लिया, अभी हम ऑफ़ करा के देख लेते हैं कि किस तरह इनपुट आए तो LED ऑन हो जाए या ऑफ़ हो जाए, कि हम इनपुट दें और वो वाली पोर्ट की वो वाली दूसरी इस नंबर वाली पिन ऑन हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो सीरीज़ से काफ़ी हद तक ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होंगे। आज आपने काफ़ी एक नई चीज़ सीखी होगी और कंप्लीट डिटेल में सीखी होगी। तो मैं MyASM का लिंक AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको इजीली मिल जाएगा, और MyASM का मैंने अपनी एक किसी वीडियो के नीचे आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक डाला हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फिर आगे इनपुट देख लेंगे। इनपुट देखने के बाद फिर हम लोग माइक्रोचिप स्टूडियो में चले जाएंगे। माइक्रोचिप स्टूडियो के अंदर फिर हम लोग आर्डिनो नैनो को कोड करना सीखेंगे। वहाँ पे हम दोबारा C लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगे और थोड़ा सा डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स को साथ ऐड किया करेंगे, वो फिर काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर्स का ख्याल करना पड़ता है, वहाँ पे हम रजिस्टर से निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखते रहें, प्लेलिस्ट फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।